अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है एंड हाउ डज वर्क हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव कैसे काम करती है। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। से पहले हमने प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस किया था, आज सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? तो स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये ऐसी मेमोरी होती है जो आपके डेटे को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज होती है, आपके डेटे को परमानेंट स्टोर करती है। जबकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपके डेटे को परमानेंट स्टोर रखती है, हमेशा के लिए स्टोर रखती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इस मैग्नेटिक मेमोरी भी इसको कहा जाता है, और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है डेटे को जो स्टोर करती है वो डेटे को स्टोर करने के लिए इस मेमोरी में जो जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उनको आप फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, मैग्नेटिक टेप कहते हैं, और इसी तरह इसमें जो होता है ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम वगैरह। आपको ये नजर आ रही होंगी ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी, देख सकते हैं जिसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है। मैग्नेटिक टेप जो होती है ये क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक टेप जो होती है ये बड़े कंप्यूटर्स में यूज की जाती है, मीन मैन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह में यूज की जाती है मैग्नेटिक टेप। इसका फायदा ये होता है कि ये डेटे को बहुत ज्यादा स्टोर, इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है डेटे को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप की जो हाइट होती है वो तकरीबन, मीन ये जो वाइड इसकी जो चौड़ाई होती है वो 12.5 mm से लेकर 25 mm तक के वाइड होते हैं इसकी जो फिल्म होती है, और इसके अलावा ये 500 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक लॉन्ग होती है, लंबी होती है। तो जितनी ज्यादा इसकी लंबाई ज्यादा होगी और इसकी जो चौड़ाई जो है वो ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा इसमें कैपेसिटी होती है, आपके डेटे को स्टोर करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है। जो मैग्नेटिक टेप होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर जो कवर किए जाते हैं वो कवर जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, ये गिरे अगर नीचे गिरते तो, ये मतलब इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल से कुछ कवर बनाए जाते हैं। तो आपको ये मैग्नेटिक टेप आप देख सकते हैं, ये भी मैग्नेटिक टेप है, देख सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कंप्यूटर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नॉर्मली यूज होने वाली जो चीज है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इस हार्ड ड्राइव इसको कहते हैं, हार्ड डिस्क इसको कहा जाता है, और ये जो होती है आपके नॉर्मल पीसीज वगैरह में यूज होती है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है। इस डिवाइस की जो होती है हार्ड ड्राइव जो होती है इसकी जो बाहर वाली जो साइडें होती हैं उन पे मेटल प्लेट्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन इसको फॉर्म करते हैं, और इसकी जो कोटिंग वगैरह इसकी बाहर की हुई होती है उसको भी, वो जो कोटिंग की होती है वो उन कोटिंग्स को प्लेटर कहा जाता है, मेटल प्लेटर्स होते हैं उनसे ये मिलके आपस हार्ड ड्राइव बनती है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, आजकल टेराबाइट में भी आ रही है, 1.5 टेराबाइट है। इसके अलावा और भी इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, नॉर्मली 1500 आजकल ज्यादा यूज होने वाली इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, डेटा आपका इसमें परमानेंट स्टोर रहता है। आपको यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव आपको नजर आ रही है इसमें सिर्फ वन प्लेटर आपको सामने नजर आ रहा है, और इस प्लेटर में आपको यहाँ पे हेड इसका ये नजर आ रहा है, इसको हेड कहा जाता है। सेक्टर होते हैं जो कि आपके डेटा को रीड कर, जहां से रीड होता है डेटा वो सेक्टर होते हैं, हेड आपके डेटा को रीड कर रहा होता है, और ये कंप्लीट आपके पास एक हार्ड डिस्क बन जाती है। हार्ड डिस्क के जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड ड्राइव जो होती है ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी में होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा उसकी होती है, और ये इतनी महंगी भी नहीं होती, चीप एंड रिलायबल होती है, और ये आपके डेटे को रीड राइट
क्विक करती है, मैं जल्दी आपके डेटा को रीड और राइट करती है। इसमें डेटा ट्रैवल भी जल्दी हो जाता है और ये आसानी से आपको कहीं भी मिल जाती है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंप्यूटर में जो चीज है वो हार्ड ड्राइव होती है। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि आपकी ये जो हार्ड ड्राइव होती है अगर ये कहीं गिर जाती है या हीट अप हो जाती है तो इससे डेटा एकदम से लॉस हो जाता है, मीन जाया हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और ये आपको कोई वार्निंग नहीं देती। डेटा जब डिलीट होता है, डेटा जब भी इसके डिलीट होगा ये आपको वार्निंग नहीं देगी। और मेन इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें आप बैकअप के लिए इसे यूज करते हो, और जब बैकअप के लिए आप इसमें काफी सारे अपने फोल्डर फाइल्स वगैरह डालते हो तो उसमें से जब चीजें डिलीट हो जाती हैं तो फिर ये आपको वार्निंग नहीं देती जब वहां से चीजें डिलीट हो जाती हैं, तो फिर वो रिकवर को करना मुश्किल हो जाता है, उसको रिकवर नहीं होती। या फिर रिकवर अगर होती भी है तो बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो रिकवरी करते हैं आपके डेटा, अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो रिकवर भी जब करते हैं तो वो आपको कंप्लीट रिकवर नहीं करके देते, कुछ कुछ चीजें बीच में से रिकवर हो जाती हैं। उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क आपने आजकल बहुत कम यूज हो रही है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क पुराने कंप्यूटर में यूज होती थी जिसको आप फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है इसमें भी डेटा सेव रहता है, लेकिन इसमें डेटा नॉर्मल थोड़ा सा सेव रहता है, मीन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल कम होती है, इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी नहीं होती। इसके ऊपर कोटिंग की भी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की भी होती है, और इसकी स्पीड जो होती है वो इतनी स्पीड जो होती है इसकी इस ड्राइव की वो स्पीड भी थोड़ी कम होती है आपकी, जो स्पीड होती है इसकी कम होती है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क जो होती है ये बेसिकली आपकी ये जो डिस्क होती है जब मूव मीन ये आपकी जब रोटेट करती है, रोटेशन जब इसकी होती रहती है तो ये आपके डेटा को रीड करती है, और रोटेशन के दौरान ये आपके डेटा को राइट करती है। तो इसकी ये जो एरिया होता है ये रोटेट होता रहता है, तो ये जब रोटेट होता है तो ये डेटा को रीड और राइट करते हैं। ये जो एरिया इसको मूव, यहाँ पे जब इसको आप फ्लॉपी डिस्क डालते हैं तो ये मूव होकर यहाँ पे आ जाता है, तो इसके ऊपर जो है इसका हेड सामने आ जाता है, तो वहां से ये डेटा को रीड और राइट करती है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, और इसकी स्पीड भी कम होती है, स्पीड भी इसकी ज्यादा नहीं होती। तो ये आपकी होती है जी मैग्नेटिक डिस्क। तो स्टूडेंट्स आज हमने परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर डिस्कस किया कि कौन कौन सी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फर्दर इसमें और भी डिटेल से देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।